हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह है डलगोना कॉफ़ी बनाने की रेसिपी। इसमें मैंने किसी ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है, मैंने ये विस्क की हेल्प से बनाया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 कप बना रही हूँ डलगोना कॉफ़ी। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो अभी 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद अभी मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। शुगर मैं यहाँ पर 3 चम्मच के करीब डालूँगी, 3 बड़े चम्मच, क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं बना रही हूँ। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनानी है तो आप इसमें शुगर की जो अमाउंट है उसे कम कर सकते हैं, 3 की बजाय 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो अभी शुगर को डालने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। और मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच गुनगुना पानी डाल लूँगी इसमें। और एक बात का ध्यान रखें, पानी हमें गर्म ही डालना है, ठंडा नहीं डालना है। पानी को डालने के बाद अब मैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, विस्क की हेल्प से मैं यहाँ पर डलगोना कॉफ़ी बना रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, विस्क की हेल्प से इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो शुगर है वो हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और जो हमारी कॉफ़ी का जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा थिक होने लगेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सिर्फ इसी तरीके से चलाते रहना है। ये प्रोसेस लगभग 10 से 15 मिनट तक चलेगा। अगर आप ब्लेंडर की हेल्प से बना रहे हैं तो वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें तो किसी ग्लास में स्पून डालकर, जैसे मैंने आपको बताया, एक ग्लास में आप 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल लें और शुगर डाल लें, उसको एक स्पून की हेल्प से राउंड राउंड घुमाते जाएं, उससे भी कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो कॉफ़ी का टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो चुका है। तो अभी हम इसे 5 से 6 मिनट इसी तरीके से और चला लेंगे। हमें इसको जब तक चलाना है कि हमारी जो कॉफ़ी का जो टेक्सचर है वो विस्क पर से गिरना नहीं चाहिए, इतना थिक हो जाना चाहिए ये। तो अभी हम इसी तरीके से इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना थिक हो चुका है और ये विस्क पर से नहीं गिर रहा है। तो अभी ये परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्व करने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ कि हम डलगोना कॉफ़ी की सर्विंग कैसे करेंगे। तो हम एक गिलास ले लेंगे, मैंने यहाँ पर कांच का गिलास यूज़ किया है। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल भी बाउल में से हिल नहीं रही है। तो अभी हम एक कांच का गिलास ले लेंगे, उसमें हम आइस क्यूब डाल लेंगे। आइस क्यूब को डालने के बाद आप इसमें दूध ऐड कर लें, ठंडा या गर्म जैसा आपको चाहिए, दोनों तरीके का बना सकते हैं आप। दूध को ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमने डलगोना कॉफ़ी का टेक्सचर बना के रखा हुआ है उसको ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से 2 स्पून की हेल्प से डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिपकता है, बाउल में से छूटता भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 स्पून का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से आप भी करें। तो अभी डलगोना कॉफ़ी को डालने के बाद अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। गार्निशिंग करने के लिए मैं इस तरीके से इसको स्पून की हेल्प से इस तरीके से राउंड राउंड कर दूंगी, ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल लेंगे इसके ऊपर। तो हमारी डलगोना कॉफ़ी बनकर तैयार है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।